नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर के आचार्य विनोदा वार्ड की टीजीएन 24 की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि विगत 10 वर्षों से इस वार्ड में भाजपा के पार्षद रह चुके हैं, लेकिन जब टीजीएन 24 की टीम ने आचार्य विनोबा वार्ड के क्षेत्रीय आमजन से स्वच्छता को लेकर बात की, तब उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में गंदगी का भंडार है एवं साफ सफाई की बात की जाए तो समय से नहीं यहां साफ सफाई की जाती है। वहीं इस विषय में कांग्रेस प्रत्याशी पवन मोगरे का कहना है कि मेरा इस वार्ड में जन्म हुआ है और मेरा बचपन यहां पर बीता है। यदि साफ सफाई की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा है कि यदि जनता मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनती है तो वार्ड की जनता को जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है वह मैं पूरी करूंगा। और साथ ही महापौर भी रहे, मगर उन्होंने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। जनता की राय तो हमने ले चुके हैं। आज हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी हैं जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पवन मोगरे है, मैं आचार मीना भावेवाड़ से मेरा जन्म हुआ है और मैं यहाँ कंटिन्यू जनसंपर्क जनता के बीच में कर रहा हूँ। जैसा कि आपके वक्ता ने अभी बताया न्यूज रिपोर्टर ने कि वो कई जगह लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या स्थिति आचार में होगा। आप बहुत बड़ा माध्यम है हम लोगों की आवाज़ जनता तक पहुँचाने। मैंने घोषणा पत्र में यह घोषणा की, घोषणा पत्र में ही शपथ पत्र, और यह जो वार्ड है यह वार्ड वार्ड नहीं है, यह मेरा परिवार है। और मैंने निश्चित तौर पर यह दृढ़ संकल्प लिया है कि वार्ड के हर एक जनमानस के साथ में, हर एक परिवार के सदस्य के साथ में थी। इस वार्ड की बदहाली जो विगत 10 वर्षों से भाजपा के पार्षदों के द्वारा बनाई गई, हम अपने परिवार के जैसे, अपने घर के जैसे इस वार्ड को संवारेंगे और इस वार्ड को एक नई दिशा की ओर, नई दशा की ओर निकालेंगे। जैसे पवन जी, अभी हम गए हुए थे शमशान घाट के पास में, जो पीछे बस्ती बनी हुई है जो आपके आचार विनोबा वार्ड के अंतर्गत आती है, वहाँ पे हम लोग जाके देखा कि काफ़ी गंदगी फैली हुई है। वहाँ पे जनता की राय से ली, राय ली हम लोगों ने। उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे गंदगी का मतलब भंडार रहता है और साफ सफाई में मतलब निगम की तरफ से या फिर पूर्व तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। और साथ में जनता ने यह भी बताया हमें, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं भाजपा से, वो उनसे लिखा पढ़ी करते बनती नहीं है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? लिखा पढ़ी उनसे करती बनती है, लेकिन अपने घर के विकास के लिए लिखा पढ़ी करते हैं। पूर्व में जो पार्षद रहे और जो वर्तमान कैंडिडेट भाजपा के साइड से अभी हुए, पूर्व पार्षद मेवालाल बंगेल और वर्तमान में जो कैंडिडेट भाजपा के सदस्य हैं, वो 3 साल उनकी पार्षदी के टाइम मंडल अध्यक्ष थे। और अविनाश शमशेर वर्तमान पार्षद कैंडिडेट और पूर्व पार्षद मेवालाल के बीच अच्छी साठगांठ चल रही थी। उन्होंने जनता से पैसा तो भरपूर वसूलवाया नगर निगम के अधिकारियों के, और जो पैसा नगर निगम के साइड से बाट के विकास के लिए आया उस पर उन लोगों ने अपने घर का विकास किया। एक साइड वर्तमान पूर्व पार्षद ने रोड के दूसरे साइड अपनी बिल्डिंग तानी, और दूसरे साइड जो मंडल अध्यक्ष रहे आज के वर्तमान कैंडिडेट भाजपा के पार्षद, दूसरे साइड रोड में उन्होंने अपनी टोटल जो भाजपा का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, इसमें इस वार्ड की स्थिति और जबलपुर शहर की स्थिति टोटल नकारी है। उन्होंने सिर्फ अपने घर के लोगों का विकास किया और अपना खुद का विकास किया। यदि मान लीजिए आचार विनोबा वार्ड की जनता आपको चुनती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? आचार विनोबा वार्ड की जनता मेरा परिवार है, मेरा घर है, और जिस तरीके से मेरे को उनका समर्थन और आशीर्वाद मिला इसमें मानना नहीं है। ये निश्चित है कि मैं इस बार से अब की बार कांग्रेस का परिवार यहाँ अपना परचम लहराएगा और जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मुहैया कराना है, चाहे वो गरीबी रेखा कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, श्रमिक कार्ड हो, या साफ सफाई की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी के समय में ऐसा कोई घर नहीं रहता जहाँ पानी के लिए लोग तरस ना रहे, और बरसात के समय ऐसा कोई घर नहीं रहता जहाँ जिन घर में पानी ना भर। पूर्व के भाजपा के महापौर के द्वारा जो एलएनटी नालों का विस्तार किया गया वो टोटल ही गलत है। 40-40 फीट के नाले को आपने 20 फीट 15 फीट का कर, जो पानी नाले 40 फीट के नाले से बेहतर आप नाले से ना बहकर लोगों के घर में, इससे पूरे जबलपुर। हम आ चुके हैं आचार विनोबा वार्ड जनता के पास में, आइए जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर क्या उनकी राय है। बताइए आपका नाम क्या है? पवन। पवन जी, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर कितनी गंदगी फैली हुई है और खड़ा होना दुश्वार हो रहा है, बदबू बहुत आ रही है, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये प्रशासन शांत बैठा सफा रहे हैं, शांति से बैठ के पब्लिक परेशान है। साफ सफाई को लेकर आपके यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है, डब्बा है एक प्रकार। कब से इस गंदगी से आप लोग परेशान हैं? समझ लो जब से रह रहे हैं परेशान ही है, वो तो अभी अभी थोड़ा सा हो गया तो 10% फायदा मिलता है सफाई के समय। आप इस बार में कब से रह रहे हैं? तो हो
गया होगा, मेरे खानदान को रहते 250 साल। जैसे कि आपके यहाँ जो पूर्व पार्षद रहे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या? साइन करते नहीं बनता, वो गंदगी का साफ करवाई। पूर्व पार्षद कौन रहे आपके यहाँ पर? माया मेवालाल। क्या कौन सी पार्टी के रहे वो? बीजेपी। बीजेपी के रहे। अच्छा, तो उनसे आपने कितनी बार बोला कि हमारी पार्टी साफ सफाई के लिए ध्यान दे? उनसे तो कई बार बोले लेकिन उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बस सुपरवाइजर लोग को जब 2-4 बार फोन लगा तो लोग आके कर देते। जैसे कि अभी चुनावी माहौल आ चुका है, हर मतलब हर पार्टी के लोग आपके द्वार पे आ रहे हैं, साफ सफाई के मुद्दे को लेकर वो अभी बातें कर रहे हैं कि हम आपके वार्डों का विकास करेंगे, तो आप किन को चुनना चाहेंगे? ये तो सर अब पर्सनल बात है, ठीक है। आपका नाम बताएं? पवन कुमार जी। जैसा कि आपने देखा कि आचार्य विनोबा वाट के भावे वाट की जनता की क्या राय है, आइए आगे और दिखाते हैं झलकी आचार्य विनोबा वाट की आपको। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।